हम आपको बताने वाले हैं सब स्पेस के बारे में, है ना, उपसमष्टि के बारे में। इसका डेफिनेशन हम आप लोगों को बता चुके हैं, एक बार और हम जो है रिपीट करेंगे आपके लिए कि सब स्पेस क्या होता है, उपसमष्टि क्या होता है। तो इस डब्लू को, डब्लू इज सेट टू बी सब स्पेस ऑफ वी। इस डब्लू को हम सब स्पेस कहना चाहते हैं वी का, इफ यदि इट हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टी, इट हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टी। इस डब्लू को हम वी का उपसमष्टि कहते हैं यदि यह दो प्रॉपर्टी को संतुष्ट करता है, फर्स्ट और सेकंड, दो प्रॉपर्टी को अगर संतुष्ट करे डब्लू तो डब्लू को हम सब स्पेस कहेंगे, उपसमष्टि कहेंगे। पहला प्रॉपर्टी है इफ अल्फा एंड बीटा आर एलिमेंट्स ऑफ डब्लू देन इम्प्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ डब्लू। यदि अल्फा और बीटा डब्लू का अवयव है तो अल्फा प्लस बीटा भी डब्लू का ही अवयव होगा। और दूसरा प्रॉपर्टी है इफ ए बिलोंग टू एफ एंड अल्फा बिलोंग टू डब्लू देन इम्प्लाइज दैट ए अल्फा बिलोंग टू डब्लू। यदि ए एफ का एलिमेंट है और अल्फा डब्लू का एलिमेंट है तो ए अल्फा भी डब्लू का ही एलिमेंट होगा। अगर ये दो प्रॉपर्टी डब्लू के पास है तो ये जो डब्लू है यह सब स्पेस कहलाएगा, उपसमष्टि कहलाएगा। हिंदी में कहते हैं इंग्लिश में सब स्पेस और हिंदी में कहते हैं उपसमष्टि। तो आप लोगों को याद रखना है सब स्पेस का डेफिनेशन, सब स्पेस बनने के लिए ये दो प्रॉपर्टी का होना जरूरी है। या आप ऐसे याद रखिए एक सिंगल प्रॉपर्टी है ना, ए और बी यदि एफ के एलिमेंट्स हैं, यदि ए और बी एफ के अवयव हैं और अल्फा एंड बीटा आर एलिमेंट्स ऑफ डब्लू, यदि अल्फा और बीटा डब्लू के एलिमेंट हैं तो ये सूचित करें कि ए अल्फा प्लस बी बीटा, ए अल्फा प्लस बी बीटा इज एन एलिमेंट ऑफ डब्लू। अगर ये सिंगल प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है तो भी डब्लू सब स्पेस कहलाएगा। मतलब सब स्पेस बनने के लिए या तो ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे या ये सिंगल प्रॉपर्टी, है ना। यहाँ पर ए और बी एफ के एलिमेंट है, दैट मीन्स ए और बी दोनों स्केलर है, है ना। एफ जो है वो स्केलर फील्ड है, इसके जो एलिमेंट्स है वो स्केलर, स्केलर मीन्स कांस्टेंट है। और डब्लू जो है या वेक्टर जो स्पेस है उसका सबसेट है, मतलब ये वेक्टर वेक्टर के कलेक्शन है, मतलब अल्फा और बीटा दोनों वेक्टर्स हैं, है ना। क्योंकि डब्लू इज अ सबसेट ऑफ वी, डब्लू जो है वी का सबसेट है, वी इज अ कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स, वी जो है वेक्टर्स का कलेक्शन है, ये भी वेक्टर्स का कलेक्शन है। तो अल्फा और बीटा दोनों वेक्टर हैं और ए और बी दोनों स्केलर हैं। तो यदि ए और बी एफ का एलिमेंट है और अल्फा और बीटा डब्लू के एलिमेंट है और वह सूचित करे, इस साइन को हम बोलते हैं इम्प्लाइज दैट, सूचित करता है कि, तो वो ये सूचित करे कि ए अल्फा प्लस बी बीटा भी डब्लू का ही एलिमेंट है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो भी हम डब्लू को सब स्पेस कहेंगे, उपसमष्टि कहेंगे, ठीक है। तो सब स्पेस बनने के लिए ये दोनों प्रॉपर्टी आप लोगों को याद होने चाहिए। एक क्वेश्चन हम करते हैं, लेट माना डब्लू इज इक्वल टू ए वन कामा ए टू कामा ए थ्री। डब्लू के जो एलिमेंट है वो ए वन ए टू ए थ्री पेयर टाइप में है, जहाँ पर ए वन ए टू ए थ्री एफ के एलिमेंट है, मतलब ए वन ए टू ए थ्री एफ स्केलर्स है और ये जो ट्रिपल पेयर है वो डब्लू का एलिमेंट है। एंड और कंडीशन इसमें है कि ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री इज इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन भी दिया गया है। अब क्वेश्चन कहता है सो दैट, दर्शाइए कि डब्लू इज अ सब स्पेस ऑफ वी थ्री एफ। वी थ्री इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि थ्री डायमेंशनल है, है ना। तो डब्ल्यू इज अ सब स्पेस ऑफ वी थ्री एफ, इस डब्ल्यू को हमें सब स्पेस बताना है, उपसमष्टि बताना है। क्वेश्चन हिंदी में इस प्रकार से रहेगा, दर्शाइए कि डब्लू वी थ्री एफ का एक उपसमष्टि है, वी थ्री एफ का एक उपसमष्टि है। तो डब्लू का जो एलिमेंट है इस फॉर्म में है और ये दो कंडीशन हमें दिए गए हैं।
और हमें ये बताना है कि W जो है सब स्पेस है, उपसमष्टि है, ये हमें साबित करना है। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में आ चुका है। क्वेश्चन में आपको W का वैल्यू दिया गया है और आपको W को सब स्पेस बताना है, उपसमष्टि बताना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवेन दैट, दिया गया है कि, दिया गया है कि, तो बताइए W को वैल्यू क्या दिया गया है। क्वेश्चन देख के बताओ सभी, W को वैल्यू क्या दिया गया है। देखो तो यहाँ पर हमें दिया गया है A1 A2 A3 पेयर, जहाँ पर A1 A2 A3 F के एलिमेंट्स हैं एंड A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0 है। इस टाइप का जो एलिमेंट है वो W के एलिमेंट्स है, इस टाइप के एलिमेंट W के एलिमेंट है। कंडीशन ये है कि A1 A2 A3 F में बिलोंग करेंगे और A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0 ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है। ठीक है, तो W के एलिमेंट इस फॉर्म में है। अब हमें W को बताना है सब स्पेस, उपसमष्टि। यहाँ हेडिंग डाल देते हैं टू प्रूव दैट W इज अ सब स्पेस। टू प्रूव दैट सिद्ध करना है कि, टू प्रूव दैट W इज अ सब स्पेस, W इज अ सब स्पेस ऑफ V3F। हिंदी में लिखोगे सिद्ध करना है कि W V3F का एक उपसमष्टि है। सिद्ध करना है कि W V3F का एक उपसमष्टि है। टू प्रूव दैट W इज अ सब स्पेस ऑफ V3F, इसके लिए हमें दो प्रॉपर्टी प्रूव करना पड़ेगा। फॉर दिस वी सेल सो दैट इसके लिए हम दर्शाएंगे कि, इसके लिए हम दर्शाएंगे कि दो प्रॉपर्टी हमें प्रूव करना होगा, फर्स्ट और सेकंड। क्या क्या प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे बताइए। हमें दो प्रॉपर्टी प्रूव करना है W को सब स्पेस बताने के लिए। कौन से दो प्रॉपर्टी आप बताइए, कौन से दो प्रॉपर्टी हम प्रूव करेंगे। W को सब स्पेस बताना है, हमें दो प्रॉपर्टी प्रूव करना पड़ेगा, वो दो प्रॉपर्टी कौन कौन सा होगा। अल्फा प्लस बीटा इज आल्सो बिलोंग टू W, ओके। इफ अल्फा एंड बीटा आर एलिमेंट्स ऑफ W, देन इम्प्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ W। एंड सेकंड प्रॉपर्टी, इफ A बिलोंग टू F एंड अल्फा बिलोंग टू W, इम्प्लाइज दैट A अल्फा बिलोंग टू W। अगर ये दो प्रॉपर्टी अगर आपने बता दिया तो W कहलाएगा सब स्पेस ऑफ V3F, W सब स्पेस बन जाएगा। तो सब स्पेस बनने के लिए ये दो प्रॉपर्टी हमें बताना पड़ेगा। याद रखना ये अल्फा और बीटा W के एलिमेंट होने चाहिए और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग W के एलिमेंट इस फॉर्म में है, A1 कामा A2 कामा A3 है ना, इस फॉर्म में है W के एलिमेंट। तो अल्फा भी इसी फॉर्म में दिखेगा और बीटा भी इसी फॉर्म में दिखेगा क्योंकि W के एलिमेंट इस फॉर्म में है, ये ऐसा हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ ऑफ फर्स्ट का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट हमने माना, हमने मान लिया अल्फा जो है ये A1 कामा A2 कामा A3 पेयर है जो W का एलिमेंट है ना, और दूसरा एलिमेंट है बीटा, और बीटा हम ले लेते हैं B1 कामा B2 कामा B3, ये भी W का एलिमेंट है। ठीक है, तो अल्फा भी W का एलिमेंट है और बीटा भी W का एलिमेंट है। इस प्रकार से हमने मान लिया दो एलिमेंट अल्फा और बीटा। अब यहाँ पर आप देखिए जो इस टाइप के एलिमेंट W में होगा ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। पहला कंडीशन है कि A1 A2 A3 F का एलिमेंट है और A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये W का एलिमेंट है तो W के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। वैसे ये भी W का एलिमेंट है तो ये भी W के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों ही W के एलिमेंट्स हैं। तो आप लिखोगे देन A1 A2 A3 ये F के एलिमेंट्स होंगे एंड A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0। ये लाइन हमें मिल रहा है W के डेफिनेशन से। W का डेफिनेशन हमें यहाँ क्वेश्चन में मिलेगा। एक बार मैं और आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। W में इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे जहाँ पर A1 A2 A3 F के एलिमेंट्स होंगे
और ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री इज इक्वल टू जीरो होगा, है ना। डब्ल्यू का जो डेफिनेशन है उसमें डब्ल्यू के एलिमेंट ऐसे रहेंगे जहाँ पर ए वन ए टू ए थ्री एफ के एलिमेंट्स हैं और ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री इज इक्वल टू जीरो, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये हमें क्वेश्चन से मिल गया। वैसे ही बताओ यहाँ पर बी वन कामा बी टू कामा बी थ्री भी डब्ल्यू का एलिमेंट है, तो बी वन बी टू बी थ्री ये आपके एफ के एलिमेंट्स होंगे एंड बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री भी जीरो आएगा क्योंकि यह भी डब्ल्यू का एलिमेंट है, तो डब्ल्यू का डेफिनेशन यह भी सेटिस्फाई करेगा, तो बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री भी जीरो आएगा। ठीक है ना। अब तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, हमने डब्ल्यू से दो एलिमेंट ले लिए, एक अल्फा और दूसरा बीटा। हम प्रूफ फर्स्ट पार्ट का प्रूफ कर रहे हैं। यहाँ पर हमें अल्फा और बीटा दो एलिमेंट चाहिए डब्ल्यू से, डब्ल्यू से दो एलिमेंट चाहिए। तो पहला एलिमेंट लिए अल्फा, अल्फा हमारा ए वन ए टू ए थ्री के फॉर्म में है, और दूसरा एलिमेंट है बीटा, और बीटा हमारा बी वन बी टू बी थ्री के फॉर्म में है। अब दो क्वेश्चन आपके मन में आता होगा। पहला क्वेश्चन ये है कि डब्ल्यू का जो एलिमेंट है इसी फॉर्म में लेना जरूरी है क्या? बताइए, क्या डब्ल्यू के एलिमेंट अल्फा को इसी फॉर्म में लेना जरूरी है क्या? बताओ, यस या नो? यस, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार आप देखिए डब्ल्यू के एलिमेंट इसी फॉर्म में है, जिस फॉर्म में क्वेश्चन में दिया गया डब्ल्यू उसी फॉर्म में हम डब्ल्यू के एलिमेंट ले सकते हैं। तो अल्फा को भी इसी फॉर्म में लेना पड़ेगा, बीटा को भी इसी फॉर्म में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा दोनों ही इसी फॉर्म में लिए गए हैं। यहाँ पर ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री जीरो आएगा और यहाँ बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री जीरो आएगा क्योंकि डब्ल्यू के डेफिनेशन में लिखा गया है। नाउ अब मैं निकाल रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का वैल्यू है हमारा ए वन ए टू ए थ्री पे है, प्लस बीटा हमारा है बी वन कामा बी टू कामा बी थ्री पे है। इस प्रकार से इसको हमने अल्फा कहा, इसको बीटा कहा है। अब इन दोनों का ऐड करेंगे, तो इसका फर्स्ट ऐड होगा, यह आ जाएगा ए वन प्लस बी वन कामा ए टू प्लस बी टू कामा ए थ्री प्लस बी थ्री। इसका फर्स्ट से प्लस हो गया, सेकंड से प्लस हो गया और थर्ड से प्लस हो गया। इसको नया नामकरण ए वन प्लस बी वन आया ना, ए वन प्लस बी वन को नया नामकरण सी वन दे दिए, इसको सी टू नाम दे दिए, इसको सी थ्री, नामकरण हमने चेंज कर दिया है, है ना। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन वन देते हैं। वेयर बताइए, हमने ए वन प्लस बी वन को क्या नाम दिया है? बताओ, ए वन प्लस बी वन को क्या नाम दिया है? सी वन नाम दिया है। यहाँ जो सी वन है वो ए वन प्लस बी वन है, सी टू जो है वो ए टू प्लस बी टू है, और सी थ्री जो है यह ए थ्री प्लस बी थ्री है। ठीक है, इसको नया नामकरण किया C1, इसका नया नामकरण मैंने C2 कर दिया, इसको नया नाम C3 दे दिया। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि A1 प्लस B1 को C1 कहा है, A2 प्लस B2 को C2 कहा है और A3 प्लस B3 को C3 कहा है। आप यहाँ देखिए, लिखे हो A1 A2 A3 F के एलिमेंट हैं, B1 B2 B3 F के एलिमेंट है, A1 भी F का एलिमेंट है, B1 भी F का एलिमेंट है, तो C1 भी F का एलिमेंट होगा क्योंकि A1 भी F का एलिमेंट है और B1 भी F का एलिमेंट है। वैसे ही ए टू और बी टू दोनों ही एफ के एलिमेंट्स हैं, तो सी टू भी एफ का एलिमेंट हुआ, और ए थ्री और बी थ्री दोनों ही एफ के एलिमेंट हैं, तो सी थ्री भी एफ का एलिमेंट हुआ। मतलब सी वन सी टू सी थ्री तीनों एफ के एलिमेंट्स हैं, है ना। अब हम ये साबित करने वाले हैं, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं ये साबित करूँ कि सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री इज इक्वल टू जीरो, अगर ये साबित हो जाए तो ये डब्ल्यू का एलिमेंट हो जाएगा। ये किसका एलिमेंट होगा? डब्ल्यू का। डब्ल्यू के एलिमेंट बनाने के लिए हमें क्या लाना पड़ेगा? सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री इज इक्वल टू जीरो। एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ डब्ल्यू का डेफिनेशन। ये देखिए, ये डब्ल्यू का एलिमेंट तभी बनेगा जब ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री इज इक्वल टू जीरो होगा, है ना। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी ये डब्ल्यू का एलिमेंट होगा, है ना। इस कंडीशन, ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब ये डब्ल्यू के एलिमेंट बनेगा। तो यहाँ पर ए वन ए टू ए थ्री डब्ल्यू का एलिमेंट तभी बनेगा जब ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री इज इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ पर मुझे इसको W का एलिमेंट बताना है। बताओ ये W का एलिमेंट कब बनेगा, क्या करना होगा मुझे? सोचो, मुझे क्या लाना होगा? मुझे यस, बिल्कुल सही, हमें C1 वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री इज इक्वल टू जीरो लाना है। एंड हम ला कर दिखाते हैं C1 वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री क्या है, देखते हैं। तो C1 वन की वैल्यू हमने लिया है A1 वन प्लस बी वन, ये C1 है। देखो यहाँ से आप देखिए, C1 है A1 वन प्लस बी वन, C2 है A2 प्लस बी टू, C2 हमारे A2 प्लस बी टू है, और C3 है A3 प्लस बी थ्री। ये ठीक है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू आ जाएगा
यहाँ पे आप देखिए है ना, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री एक ब्रैकेट में कर दो, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री एक ब्रैकेट में, प्लस बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री एक ब्रैकेट में, बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री एक ब्रैकेट, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री एक ब्रैकेट में, बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री दूसरे ब्रैकेट में। अब बताओ इसका वैल्यू क्या है, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, ये देखिए ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री जीरो है और बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री, बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री की वैल्यू क्या है देखो जीरो है ना, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री भी जीरो है और बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री भी जीरो है, तो सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री इक्वल टू आएगा जीरो प्लस जीरो, इसका वैल्यू भी जीरो है, इसका वैल्यू भी जीरो है, तो बताओ सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री की वैल्यू क्या आ गया, देखो सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री की वैल्यू क्या है जी जीरो आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू लिखा था सी वन कामा सी टू कामा सी थ्री, ये भी डब्लू का ही एलिमेंट है, ये सी वन कामा सी टू कामा सी थ्री भी डब्लू का एलिमेंट है जिसको आपने अल्फा प्लस बीटा कहा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू लिखा है ना सी वन कामा सी टू कामा सी थ्री, और ये भी डब्लू का एलिमेंट है क्योंकि सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री जीरो आ रहा है, ये डब्लू का एलिमेंट है, इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा भी डब्लू का ही एलिमेंट है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, फर्स्ट पार्ट में हमें बताना था अल्फा प्लस बीटा डब्लू के एलिमेंट्स हैं, ये देखिए फर्स्ट पार्ट में ये लेके चलना था अल्फा और बीटा दो एलिमेंट है डब्लू के, और बताना था अल्फा प्लस बीटा भी डब्लू का एलिमेंट है, ये हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, अब हमें सेकंड पार्ट करना है, फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो चुका है, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, अब सेकंड पार्ट प्रूफ करना है, बताओ क्या लेके चले, ये तो प्रूफ हो गया, सेकंड पार्ट में क्या लेके चले बताइए, ए बिलोंग टू एफ लेंगे, अल्फा बिलोंग टू डब्लू, और क्या प्रूफ करेंगे बोलो, ए बिलोंग टू एफ लेके चलेंगे, अल्फा बिलोंग डब्लू लेके चलेंगे, प्रूफ क्या करेंगे, प्रूफ क्या करेंगे सेकंड पार्ट में, ए अल्फा बिलोंग टू डब्लू हमें प्रूफ करना है। चलिए अब हम हेडिंग डालते हैं प्रूफ ऑफ सेकंड पार्ट, पार्ट टू का प्रूफ करते हैं, हम मान लेते हैं लेट ए बिलोंग करता है एफ में, एंड अल्फा अल्फा हमारा है ए वन कामा ए टू कामा ए थ्री, और ए बिलोंग करता है डब्लू में, ए एफ का एलिमेंट है और अल्फा जो है वह डब्लू का एलिमेंट, जब अल्फा डब्लू का एलिमेंट है तो अल्फा जब डब्लू का एलिमेंट है तो ये जो ए वन ए टू ए थ्री है ये एफ के एलिमेंट्स होंगे, और ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री क्या होगा बताओ, ये डब्लू का एलिमेंट है, ए वन कामा ए टू कामा ए थ्री जो पेयर डब्लू का एलिमेंट है, तो डब्ल्यू का डेफिनेशन में ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री की वैल्यू क्या होगा बोलो, जीरो होगा है ना, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री जीरो होगा। नाउ अब हम निकाल रहे हैं ए अल्फा, तो ए अल्फा का वैल्यू है ए वन कामा ए टू कामा ए थ्री, हम ए अल्फा को निकाल रहे हैं ए इंटू अल्फा, अल्फा हमारा है ए वन ए टू ए थ्री, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ए का मल्टीप्लाई तीनों के साथ होगा, ए वन कामा ए टू कामा ए थ्री आ जाएगा। ठीक है, इसको आप नया नामकरण कर सकते हो है ना, इसको हमने नाम दे दिया, चलो डी वन डी टू डी थ्री नाम देते हैं, डी वन डी टू डी थ्री नाम दे दिए, वेयर बताओ डी वन क्या है बताओ, डी वन हमने किसको कहा है बोलो, डी वन हमने ए वन को कहा है, या एफ का एलिमेंट होगा क्योंकि आप देखो ए एफ का एलिमेंट है, यहाँ देखो ए एफ का एलिमेंट दिख रहा है, और ए वन भी एफ का एलिमेंट है, ए टू भी एफ का एलिमेंट है, ए थ्री भी एफ का एलिमेंट है, और ए भी एफ का ही एलिमेंट है, तो ए वन भी एफ का एलिमेंट होगा, डी टू हमने कहा है ए टू को, यह भी एफ का ही एलिमेंट होगा, और डी थ्री हमने कहा है ए थ्री को, यह भी एफ का ही एलिमेंट है, इसको हमने डी वन नाम दिया, इसको डी टू नामकरण किया, इसका डी थ्री नामकरण किया है, यह भी एफ का एलिमेंट है डी वन, यह डी टू भी एफ का ही एलिमेंट है, और डी थ्री भी एफ का एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पर ए एफ का एलिमेंट था और ए वन ए टू ए थ्री भी एफ का ही एलिमेंट है ना, तो ए वन ए टू और ए थ्री भी एफ का एलिमेंट है। अब इसे मुझे डब्लू का एलिमेंट बनाना है, बताओ मुझे क्या करना होगा, सोचो इसको मुझे डब्लू का एलिमेंट बनाना है, क्या करना होगा, मैं चाह हाँ चले, एंड डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री इज इक्वल टू क्या लाना है बताओ, जीरो, जीरो लाना है, तो डी वन है हमारा ए वन, डी टू है हमारा ए टू,
और डी थ्री हमारा ए थ्री। इन सब में कुछ कॉमन है क्या? देखो क्या कॉमन है, ए है ना। तो डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री इक्वल टू आएगा, ए कॉमन है, ए बाहर निकाल दिए हम, और यह आएगा ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। यह आ जाएगा ए, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री जीरो है, देखो ऊपर ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री जीरो है, इसका वैल्यू क्या है, जीरो है। तो यह आ जाएगा ए इंटू जीरो, दैट मीन्स जीरो। तो डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री जीरो आ गया, डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री क्या आ गया, देखो जीरो आ गया। तो आप मुझे बताइए, आपने ए अल्फा इक्वल टू बोला था डी वन कामा डी टू कामा डी थ्री, ये किसका एलिमेंट बन गया? डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री जीरो आ रहा है, किसका एलिमेंट बन गया ये बोलो? डी वन कामा डी टू कामा डी थ्री किसका एलिमेंट हो गया? डब्लू का एलिमेंट हो गया। तो आप देख रहे हो ए अल्फा भी डब्लू का ही एलिमेंट होगा। तो सेकंड पार्ट में हमें यही बताना था, है ना, सेकंड पार्ट में हमें बताना था कि ए अल्फा डब्लू का एलिमेंट है, ये हमने लेके चला था, ये हमें लाना था। तो हमने बता दिया ए अल्फा भी डब्लू का एलिमेंट, दोनों पार्ट प्रूफ हो गए। तो डब्लू क्या कहलाएगा, दोनों पार्ट हमने प्रूफ कर दिया है, डब्लू क्या कहलाएगा? समझ बिल्कुल सही। हैंस डब्ल्यू इज अ सब स्पेस ऑफ वी थ्री एफ, हिंदी में लिखोगे अतएव अतएव डब्ल्यू वी थ्री एफ का एक उप समष्टि है। डब्ल्यू को हमने उप समष्टि बताया है, सब स्पेस बताया है, क्योंकि वह सब स्पेस की दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। सर में आ गया क्वेश्चन, एग्जाम में आएगा, बना लोगे? बोलो एग्जाम में आएगा, बना लोगे आप लोग? ओके चलो हम आते हैं नए क्वेश्चन की ओर, एक नया क्वेश्चन हम करते हैं। सो दैट दर्शाइए कि, सो दैट दर्शाइए कि द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब स्पेसेस, द इंटरसेक्शन intersection of any two subspaces, any two subspaces of a vector space, of a vector space Vf is also a subspace of Vf, is also a subspace of Vf। ठीक है, क्वेश्चन में बोलता है कि कोई भी वेक्टर स्पेस के दो सब स्पेसेस का इंटरसेक्शन भी एक सब स्पेस होता है। क्वेश्चन हिंदी में इस प्रकार से रहेगा, दर्शाइए कि सदिश समष्टि वीएफ के दो उपसमष्टियों का सर्वनिष्ठ भी वीएफ का एक उपसमष्टि, वीएफ का एक उपसमष्टि होता है। दो सब स्पेसेस लेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो भी सब स्पेस ही आएगा, ये क्वेश्चन कहता है। ये कह रहा है सो दैट द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस वीएफ की दो सब स्पेसेस का इंटरसेक्शन भी इज ऑल्सो अ सब स्पेस ऑफ वीएफ, वह भी वीएफ का एक सब स्पेस होता है। मतलब सदिश समष्टि वीएफ के दो उप समष्टियों का सर्वनिष्ठ भी वीएफ का एक उप समष्टि होता है। आपको दो सब स्पेसेस लेकर चलना है और उसका जो इंटरसेक्शन है वह भी हमें एक सब स्पेस है, ऐसा साबित करना है। मैं आपको क्वेश्चन अच्छा समझा रहा हूँ डायग्राम से, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये देखिए, ये हमारा वेक्टर स्पेस है, इस वेक्टर स्पेस को हमने वीएफ नाम दिया है, इसके दो सब स्पेसेस हैं, एक सब स्पेस को हमने नाम दे दिया है डब्लू वन इज अ सब स्पेस ऑफ वीएफ, और ये दूसरा सब स्पेस है इसका नाम हमने दिया है डब्लू टू, है ना। तो डब्लू वन इज अ सब स्पेस ऑफ वीएफ, मतलब डब्लू वन वीएफ का एक उपसमष्टि है और डब्लू टू भी वीएफ का उप समष्टि है। अब ये जो एरिया है, इस एरिया को आप क्या नाम दोगे बताइए, जो मैंने हाईलाइट किया है, इस एरिया का नाम होगा, याद रखना, इस एरिया को हम बोलेंगे W1 इंटरसेक्शन W2।
यही एरिया क्या कहलाएगा, W1 सर्वनिष्ठ W2। इस एरिया को भी मुझे सब स्पेस साबित करना है। W1 सब स्पेस है, मतलब ये वाला एरिया सब स्पेस है, W2 भी सब स्पेस है, ये एरिया भी सब स्पेस है, मतलब ये भी उपसमष्टि है, ये भी उपसमष्टि है। मुझे ये जो कॉमन एरिया है जिसको हम बोलेंगे W1 इंटरसेक्शन W2, इस कॉमन एरिया को भी मुझे सब स्पेस बताना है, उपसमष्टि बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, बोलो। यस। चलिए, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, दो सब स्पेसेस का इंटरसेक्शन भी सब स्पेस होता है, दो उपसमष्टियों का सर्वनिष्ठ भी एक उपसमष्टि होता है। ठीक है, तो ये हम साबित करने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं प्रूफ। हमने मान लिया लेट VF बी अ वेक्टर स्पेस, हमने मान लिया है लेट VF बी अ वेक्टर स्पेस। मान लो VF एक सदिश समष्टि है, हिंदी में लिखोगे मान लो VF एक सदिश समष्टि है, सदिश समष्टि है, तो VF एक वेक्टर स्पेस है। एंड इसके दो सब स्पेसेस लेना है, एक W1 दूसरा W2। दो सब स्पेस क्या कह लोगे, W1 और W2, है ना। तो हमने मान लिया है VF क्या है, वेक्टर स्पेस है, सदिश समष्टि है, और इसके दो सब स्पेसेस लोगे, कितने सब स्पेस लोगे, दो। एंड लेट W1 एंड W2 बी एनी टू सब स्पेसेस, एनी टू सब स्पेसेस ऑफ VF। VF के दो सब उप समष्टियाँ हैं W1 और W2। तथा माना W1 और W2, W1 और W2 VF के दो उप समष्टियाँ हैं। तो हमने दो सब स्पेस ले लिया, है ना। ठीक है, तो आपको W1 और W2 दो सब स्पेसेस मान के चलना है VF के, और VF हमारा वेक्टर स्पेस है। ठीक है, तो W1 जब सब स्पेस है तो W1 भी दो प्रॉपर्टी को रखेगा, और W2 सब स्पेस है तो W2 भी दो प्रॉपर्टी को रखेगा, या एक सिंगल प्रॉपर्टी हो सकते हो, W1 W2 के पास एक एक सिंगल प्रॉपर्टी जो मैंने बताया था वो भी बना सकते हो, या दो प्रॉपर्टी आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ लिखना पड़ेगा देन W1 एंड W2 हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। W1 एंड W2 हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, तब W1 तथा W2 निम्नलिखित गुणधर्मों को रखते हैं। W1 के पास कितने प्रॉपर्टी होंगे बताओ, W1 सब स्पेस है, W1 को हमने सब स्पेस कहा है, W1 के पास कितने प्रॉपर्टी होंगे, दो प्रॉपर्टी होंगे। वैसे W2 के पास कितने प्रॉपर्टी होंगे, बोलो, दो प्रॉपर्टी होंगे, या सिंगल प्रॉपर्टी से ही बना सकते हो, W1 के पास सिंगल प्रॉपर्टी, W2 के पास सिंगल प्रॉपर्टी, मैंने सिंगल प्रॉपर्टी भी बताया आप लोगों को, है ना। हमने आपको ये बताया था कि केवल एक सिंगल प्रॉपर्टी भी रखेगा तो भी वो सब स्पेस कहलाता है, याद आ रहा है, सिंगल प्रॉपर्टी वाला भी बताया था ये, है ना, याद रखना। हाँ, ये वाला, अगर ये सिंगल प्रॉपर्टी को रखता है W तो भी सब स्पेस कहलाएगा। यहाँ W सब स्पेस नहीं है, यहाँ W1 और W2, W की जगह W1 आएगा, फिर W की जगह W2 आएगा, W1 भी सब स्पेस है और W2 भी सब स्पेस है, तो W1 के पास भी ये वाला प्रॉपर्टी होगा और यही प्रॉपर्टी W2 के पास भी होगा, क्योंकि दोनों ही सब स्पेसेस हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है W1 एंड W2 है द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो पहला प्रॉपर्टी मैं W1 के लिख रहा हूँ, ये देखिए ए और बी बिलोंग करता है एफ में, एंड α1 β1 बिलोंग टू W1, क्या इम्प्लाई करेगा बताओ सब स्पेस की प्रॉपर्टी से, बोलो। ए α1 + β1 बिलोंग टू W1 आएगा, क्योंकि W1 सब स्पेस है, ए W1 के एलिमेंट होगा। वैसे W2 भी सब स्पेस है, तो अगर ए और बी एफ के एलिमेंट्स हैं और α2 β2 W2 के एलिमेंट्स हैं, तो क्या इम्प्लाई करेंगे, बोलो, क्या इम्प्लाई करेंगे बताओ, ए α2 + β2 कितने एलिमेंट होंगे, W2 के एलिमेंट होंगे।
डब्ल्यू वन सब स्पेस है, डब्ल्यू वन ए प्रॉपर्टी को रखेगा, वैसे ही डब्ल्यू टू भी सब स्पेस है, डब्ल्यू टू भी ए प्रॉपर्टी को रखेगा। ये समझ में आया आप लोगों को? देखो है ना, अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते तो एक तरीका और था, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो कि डब्ल्यू वन के पास दो प्रॉपर्टी होंगे और डब्ल्यू टू के पास दो प्रॉपर्टी होंगे। पहला प्रॉपर्टी ये होगा, देखो अल्फा वन बीटा वन अगर डब्ल्यू वन का एलिमेंट है तो क्या इम्प्लाई करेगा बताइए? अल्फा वन प्लस बीटा वन डब्ल्यू वन का एलिमेंट होगा। और दूसरा, अगर ए बिलोंग करता है एफ में और अल्फा वन बिलोंग करता है डब्ल्यू वन में तो क्या इम्प्लाई करेगा बोलो? बोलिए, ए अल्फा वन बिलोंग टू डब्ल्यू वन, है ना। अगर अल्फा वन बीटा वन नहीं लिखना है, केवल अल्फा बीटा लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ए अल्फा और बीटा अगर डब्ल्यू वन के एलिमेंट है तो क्या इम्प्लाई करेंगे बताइए? अल्फा और बीटा डब्ल्यू वन के एलिमेंट है तो क्या इम्प्लाई करेंगे? अल्फा प्लस बीटा डब्ल्यू वन का एलिमेंट। और दूसरा प्रॉपर्टी, अगर ए बिलोंग करता है एफ में एंड अल्फा बिलोंग करता है डब्ल्यू वन में क्या इम्प्लाई करेगा बताओ? बोलो क्या इम्प्लाई करेगा? ए अल्फा बिलोंग टू डब्ल्यू वन। ये इस प्रकार से डब्ल्यू वन के पास दो प्रॉपर्टी हैं क्योंकि डब्ल्यू वन सब स्पेस है। अब बताओ और कौन है सब स्पेस यहाँ? डब्ल्यू वन तो है सब स्पेस, और कौन है सब स्पेस? डब्ल्यू टू भी सब स्पेस है, तो डब्ल्यू टू के पास भी दो प्रॉपर्टी होंगी। चलिए बताइए डब्ल्यू टू का प्रॉपर्टी आप, बस डब्ल्यू वन की जगह डब्ल्यू टू बोलना बताओ, पहला क्या आएगा? अल्फा और बीटा बिलोंग टू डब्ल्यू टू क्या इम्प्लाई करेंगे बताओ? अल्फा प्लस बीटा बिलोंग टू, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अल्फा प्लस बीटा बिलोंग डब्ल्यू टू, ए बिलोंग टू एफ एंड अल्फा बिलोंग टू डब्ल्यू टू क्या इम्प्लाई होगा बताइए? ए अल्फा बिलोंग टू डब्ल्यू टू। तो इस प्रकार से हमने देखा कि डब्ल्यू वन भी सब स्पेस है तो दो प्रॉपर्टी उनके पास है, डब्ल्यू टू सब स्पेस है दो प्रॉपर्टी उनके पास है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, आपको बताना है कि डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू का जो इंटरसेक्शन है वह भी सब स्पेस है। मतलब हमें ये साबित करना है इस क्वेश्चन में कि डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू ये वाला एरिया जी, यह भी सब स्पेस है। हेडिंग डाल देते हैं टू प्रूव दैट डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू, डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू इज आल्सो अ सब स्पेस ऑफ रियल, ठीक है। हिंदी में लिखोगे, सिद्ध करना है कि डब्ल्यू वन सर्वनिष्ठ डब्ल्यू टू, इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे डब्ल्यू वन सर्वनिष्ठ डब्ल्यू टू। तो सिद्ध करना है कि डब्ल्यू वन सर्वनिष्ठ डब्ल्यू टू भी वी एफ का एक उपसमष्टि है, सिद्ध करना है कि डब्ल्यू वन सर्वनिष्ठ डब्ल्यू टू भी एफ का एक उपसमष्टि है। बताओ उपसमष्टि प्रूफ करने के लिए कितने प्रॉपर्टी प्रूफ करना होता है बोलो? सब स्पेस बताने के लिए दो प्रॉपर्टी है ना, लिखना पड़ेगा फॉर दिस, इसके लिए वी सेल सो दैट, हम दर्शाएंगे कि, इसके लिए हम दर्शाएंगे कि, फॉर दिस वी सेल सो दैट, इसके लिए हम दर्शाएंगे कि, पहला और दूसरा बताइए क्या क्या प्रॉपर्टी होगा? हमें इसे सब स्पेस बताना है, याद रखना डब्ल्यू वन सर्वनिष्ठ डब्ल्यू टू को, डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू को सब स्पेस बताना है। तो पहला हमें ये बताएंगे, यदि अल्फा और बीटा डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू में बिलोंग करता है तो क्या इम्प्लाई करे बताओ? अल्फा प्लस बीटा बिलोंग टू डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। और दूसरा एक प्रॉपर्टी बताना है, इफ ए बिलोंग टू एफ एंड अल्फा बिलोंग टू डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू क्या इम्प्लाई करेंगे बताओ? इफ हाँ ए अल्फा बिलोंग टू डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन, अगर ये दो प्रॉपर्टी हम प्रूव कर दें तो कौन सब स्पेस बनेगा? अगर ये दो प्रॉपर्टी हम प्रूव करते हैं तो कौन सब स्पेस बनेगा? बिल्कुल सही है ना, चूंकि डब्ल्यू वन सब स्पेस है तो डब्ल्यू वन के पास दो प्रॉपर्टी है, डब्ल्यू वन पहले से सब स्पेस दिया है क्वेश्चन में, है ना। और डब्ल्यू टू भी सब स्पेस है, डब्ल्यू टू के पास भी दो प्रॉपर्टी है, तो डब्ल्यू वन के पास दो प्रॉपर्टी है क्योंकि डब्ल्यू वन सब स्पेस है, डब्ल्यू टू के पास भी दो प्रॉपर्टी है क्योंकि डब्ल्यू टू भी सब स्पेस है। लेकिन हमें बताना है डब्ल्यू वन सर्वनिष्ठ डब्ल्यू टू, डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू इज आल्सो अ सब स्पेस, इसको भी हमें सब स्पेस बताना है, तो इसके पास भी दो प्रॉपर्टी होना चाहिए। इसके पास भी कितने प्रॉपर्टी होना चाहिए
बताइए इसके पास कितने प्रॉपर्टीज होने चाहिए, एक की दो? ये दो प्रॉपर्टी होने चाहिए, यस कि नो? अगर ये दो प्रॉपर्टी होता है डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू के पास, तभी ये डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू सब स्पेस कहलाएगा, उपसमष्टि कहलाएगा। तो हम फर्स्ट का पहले प्रूफ देते हैं, फिर सेकंड पार्ट का प्रूफ देंगे, है ना? फर्स्ट पार्ट का प्रूफ देते हैं, फिर सेकंड पार्ट का हम प्रूफ देंगे। स्टार्ट करते हैं प्रूफ ऑफ पार्ट वन। फर्स्ट पार्ट का प्रूफ देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, राइट साइड जाना है। हमने लिया है अल्फा और बीटा डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू के एलिमेंट। क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन लगा हुआ है तो अल्फा और बीटा डब्ल्यू वन में बिलोंग करेगा एंड अल्फा और बीटा डब्ल्यू टू में बिलोंग करेंगे। तो अल्फा एंड बीटा आर एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू वन एंड अल्फा एंड बीटा आर एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू टू। बताइए यहाँ एंड वर्ड क्यों लिखा मैंने, एंड वर्ड क्यों लिखा, या एंड लिखा है ना मैंने, क्यों लिखा एंड? क्यों? यस, या इंटरसेक्शन लगाया। आपको मैं डायग्राम समझाता हूँ, देखो जो जो एलिमेंट इस एरिया में होगा ना वो डब्ल्यू वन का भी एलिमेंट होगा और डब्ल्यू टू का भी एलिमेंट होगा। इस एरिया में रहने वाला डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू दोनों का ही एलिमेंट होगा। तो चूंकि अल्फा इसका एलिमेंट है, इसका एलिमेंट है अल्फा, तो अल्फा डब्ल्यू वन में भी रहेगा डब्ल्यू टू में भी रहेगा। बीटा भी इसका एलिमेंट है तो बीटा डब्ल्यू वन में भी होगा डब्ल्यू टू में भी होगा। तो हमने लिखा है अल्फा और बीटा डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू का एलिमेंट है, तो अल्फा बीटा डब्ल्यू वन में भी होगा और अल्फा बीटा डब्ल्यू टू में भी होगा। अब बताइए यहाँ पर अल्फा और बीटा डब्ल्यू वन का एलिमेंट है तो क्या इम्प्लाई करेगा, इसको देखो अल्फा और बीटा डब्ल्यू वन का एलिमेंट है क्या इम्प्लाई करेगा, देखिए लाइन अल्फा और बीटा डब्ल्यू वन का एलिमेंट है क्या इम्प्लाई करता है, बताओ क्या इम्प्लाई करता है? अल्फा प्लस बीटा डब्ल्यू वन का एलिमेंट होगा, ओके। और अल्फा और बीटा डब्ल्यू टू का एलिमेंट है क्या इम्प्लाई करता है, देखो अल्फा और बीटा अगर डब्ल्यू टू का एलिमेंट है तो क्या इम्प्लाई करता है, अल्फा प्लस बीटा डब्ल्यू टू का एलिमेंट होगा, है ना? तो यहाँ पे अल्फा और बीटा डब्ल्यू वन का एलिमेंट है तो अल्फा प्लस बीटा भी डब्ल्यू वन का एलिमेंट होगा। वैसे ही अल्फा और बीटा डब्ल्यू टू का एलिमेंट है तो अल्फा प्लस बीटा डब्ल्यू टू का एलिमेंट होगा, क्योंकि डब्ल्यू वन भी सब स्पेस है और डब्ल्यू टू भी सब स्पेस है। इसी कारण अल्फा प्लस बीटा डब्ल्यू वन का एलिमेंट होगा और अल्फा प्लस बीटा डब्ल्यू टू का भी एलिमेंट होगा। यहाँ एंड लगा हुआ है, बताओ अल्फा प्लस बीटा कहाँ बिलोंग करेगा, एंड लगा हुआ है ये बिलोंग करेगा। क्या हम यही चाहते थे? देखो फर्स्ट में ये हमने लेके चला ये प्रूफ करना था, ये हमने लेके चला ये प्रूफ करना था, ये हमने किया है, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में, प्रूफ ऑफ पार्ट टू। फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ कर दिया है, अब सेकंड पार्ट में हम ले रहे हैं ए बिलोंग टू एफ एंड अल्फा बिलोंग टू डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू। ए बिलोंग टू एफ एंड अल्फा बिलोंग टू डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू। ए बिलोंग टू एफ है एंड अल्फा डब्ल्यू वन में बिलोंग करेगा एंड डब्ल्यू टू में बिलोंग करेगा। इंटरसेक्शन लगाए, देखो इंटरसेक्शन लगाए तो एंड आएगा, जब इंटरसेक्शन लगाए तो क्या आएगा, एंड आएगा। तो डब्ल्यू अल्फा डब्ल्यू वन का भी एलिमेंट होगा, अल्फा डब्ल्यू टू का एलिमेंट। तो आप लिख सकते हो अल्फा बिलोंग टू डब्ल्यू वन एंड अल्फा बिलोंग टू डब्ल्यू टू। ये समझ में आया आपको? देखो अल्फा इज एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू वन एंड अल्फा इज एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू टू, क्योंकि इंटरसेक्शन है इसी कारण एंड आया। अब यहाँ पे देखो ए एफ का एलिमेंट है अल्फा डब्ल्यू वन का, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, ये देखिए ए एफ का एलिमेंट है अल्फा डब्ल्यू वन का, क्या इम्प्लाई करेगा? ए एफ का एलिमेंट है अल्फा डब्ल्यू वन का, क्या इम्प्लाई करेगा? देखो यहाँ लिखा है ए अल्फा बिलोंग टू डब्ल्यू वन, क्या लिखा है? ए अल्फा बिलोंग टू डब्ल्यू वन। वैसे ही ए एफ का एलिमेंट है अल्फा डब्ल्यू टू का, क्या इम्प्लाई करेगा? ए एफ डब्ल्यू टू, तो ए अल्फा डब्ल्यू वन का एलिमेंट बनेगा, ए अल्फा डब्ल्यू टू का एलिमेंट बनेंगे। यहाँ पे लिख सकते हो ए अल्फा बिलोंग करेगा डब्ल्यू वन में और वैसे ही ए अल्फा बिलोंग करेगा डब्ल्यू टू में, क्योंकि डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू दोनों ही सब स्पेसेस हैं, दोनों ही उपसमष्टियाँ हैं। अब बताओ ए अल्फा डब्ल्यू वन का एलिमेंट है, ए अल्फा डब्ल्यू टू का एलिमेंट है और बीच में लिखा एंड है, बीच में एंड लिखा हुआ है, तो क्या आएगा? ए अल्फा डब्ल्यू वन का एलिमेंट है, ए अल्फा डब्ल्यू टू, हाँ बोलो, ए अल्फा बिलोंग दोनों प्रॉपर्टी प्रूफ हो गए। ये सेकंड प्रॉपर्टी भी हमने प्रूफ कर दिए, सेकंड में हमें यही प्रूफ करना था, ये देखिए ए अल्फा बिलोंग डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू लाना था। तो हमने दोनों प्रॉपर्टी प्रूफ कर दिए, बताओ डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू क्या कहलाएगा?
क्या कहलाएगा, उपसमष्टि कहलाएगा, सब स्पेस कहलाएगा। हैंस डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू इज अ सब स्पेस ऑफ वी थ्री। ठीक है, हिंदी में लिखोगे अतएव डब्ल्यू वन सबयूनिट डब्ल्यू टू वी एफ का एक वी एफ है, वी एफ का एक उपसमष्टि है। अतएव डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू वी एफ का एक उपसमष्टि है। हैंस डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू इज अ सब स्पेस ऑफ वी एफ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? ओके yes, हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। हम अब ये बताने वाले हैं कि बहुत सारे अगर सब स्पेसेस लें, सबका इंटरसेक्शन करें तो भी सब स्पेस ही बनेगा। मतलब बहुत सारे उप समस्टियाँ हैं और सबका हम इंटरसेक्शन कर दें तो भी हमें सब स्पेस ही मिलेगा। तो एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन कहता है सो दैट, दर्शाइए कि एन आर्बिट्री इंटरसेक्शन, एन आर्बिट्री इंटरसेक्शन, एन आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसेस, सब स्पेसेस, एन आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस इज आल्सो अ सब स्पेस, इज आल्सो अ सब स्पेस। मतलब किसी वेक्टर स्पेस का, किसी सदिश समष्टि के उप समष्टियों का स्वेच्छ सर्वनिष्ठ भी एक उप समष्टि होता है। क्वेश्चन ऐसा रहेगा हिंदी में, किसी सदिश समष्टि, किसी सदिश समष्टि के उप समष्टियों, उप समष्टियों के, सदिश समष्टि के उप समष्टियों का एक स्वेच्छ सर्वनिष्ठ, स्वेच्छ सर्वनिष्ठ मतलब जितने चाहे उतने आप ले सकते हो, दो चार छः दस बीस हजार दस हजार जितना चाहे आप ले सकते हो, स्वेच्छ सर्वनिष्ठ मतलब नंबर आप सब स्पेसेस जितने चाहे उतने आप ले सकते हो, उप समष्टियों की संख्या आप जितना चाहे उतना ले सकते हो, स्वेच्छ लिखा है, स्वेच्छा से आप जितना लेना ले सकते हो, इंग्लिश में इसको आर्बिट्री कहते हैं ना। तो उप समष्टियों का एक स्वेच्छ सर्वनिष्ठ भी एक उप समष्टि होता है, एक उप समष्टि होता है। तो बहुत सारे सब स्पेसेस लेने हैं, उनका सब स्पेस, उनका सर्वनिष्ठ भी एक सब स्पेस होता है, उप समष्टि होता है, ये आपको बताना है। मैं आपको क्वेश्चन डायग्राम से समझाता हूँ फिर मैं आगे बढ़ूँगा। ये देखिए, मान लेते हैं ये हमारा वेक्टर स्पेस वी एफ है, ये जो बॉक्स मैंने बनाया है ये हमारा वेक्टर स्पेस है जिसका नाम वी एफ है, ये वेक्टर स्पेस है और इसका पहला सब स्पेस है जिसका नाम हमने डब्ल्यू वन दिया, ये सब स्पेस है, उप समष्टि है वी एफ का। ये दूसरा सब स्पेस है जिसका नाम हमने नाम दिया डब्ल्यू टू, डब्ल्यू टू भी सब स्पेस है वी एफ का। ये तीसरा सब स्पेस है जिसका नाम हमने डब्ल्यू थ्री नाम दे दिया। ये चौथा सब स्पेस है जिसका नाम हमने वी डब्ल्यू फोर नाम दे दिया, है ना। इस प्रकार से बहुत सारे सब स्पेसेस हैं। तो ये जो एरिया आएगा जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो ये एरिया, ये जो एरिया है सभी सब स्पेस का कॉमन एरिया है, जितने भी सब स्पेस मैंने लिया ना उसका कॉमन एरिया है। देखो जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया ना, ये एरिया, ये एरिया डब्ल्यू वन के भी अंदर आएगा, ये एरिया आपको डब्ल्यू टू के अंदर भी मिलेगा, यही एरिया आपको डब्ल्यू थ्री के अंदर भी मिलेगा, यही एरिया आपको डब्ल्यू फोर के अंदर मिलेगा। मतलब ये सारे सब स्पेस का कॉमन एरिया है ना। ये डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू इंटरसेक्शन डब्ल्यू थ्री इंटरसेक्शन डब्ल्यू फोर, इस एरिया को आप बोलोगे, ये जो एरिया है ना इसको आप बोलोगे डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू इंटरसेक्शन डब्ल्यू थ्री इंटरसेक्शन डब्ल्यू फोर एंड सो ऑन जितने चाहे आ जाए। तो इसको शॉर्टकट में हम इंटरसेक्शन डब्ल्यू आई बोल देंगे इसी को ना, इसी को हम शॉर्टकट में बोल देंगे इंटरसेक्शन डब्ल्यू आई, और आई वेरी कर रहा है आर्बिट्री सेट में, आई इंडेक्स सेट में बिलोंग कर रहा है, इसी को ना शॉर्टकट में ऐसे लिख देंगे इंटरसेक्शन डब्ल्यू आई, और आई बिलोंग करता है आर्बिट्री सेट में। तो ये जो एरिया है, फिर से ध्यान दो, ये जो एरिया है यह एरिया डब्ल्यू वन के अंदर है, यही एरिया आपको डब्ल्यू टू के अंदर भी दिखेगा, यही एरिया आपको डब्ल्यू थ्री के अंदर दिखेगा, यही एरिया डब्ल्यू फोर के अंदर दिखेगा। मतलब जितने भी सब स्पेसेस हैं सबका एक कॉमन एरिया है, मतलब इंटरसेक्शन वाला एरिया है ना। तो ये सारे सब स्पेसेस का सर्वनिष्ठ है, और ये जो सर्वनिष्ठ है जिसको हमने आर्बिट्री
इंटरसेक्शन कहा है, स्वच्छ सर्वनिष्ठ कहा है, जिसको हम इंटरसेक्शन ऑफ डब्ल्यू आई से डिनोट कर रहे हैं, इसी को हमें सब स्पेस बताना है, उप समष्टि बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? यहाँ पे डब्ल्यू वन सब स्पेस है, डब्ल्यू टू भी सब स्पेस है, डब्ल्यू थ्री भी सब स्पेस है, डब्ल्यू फोर सब स्पेस है, डब्ल्यू फाइव, डब्ल्यू सिक्स जितने आएंगे सब वी एफ के सब स्पेसेस हैं। उनका जो इंटरसेक्शन है ये वाला एरिया, इस एरिया को भी मुझे सब स्पेस बताना है, उप समष्टि बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? yes, है ना? तो बहुत सारे सब स्पेसेस हैं, बहुत सारे उप समष्टियां हैं, उन सबका जो इंटरसेक्शन है मतलब सर्वनिष्ठ है, वह भी एक उप समष्टि होता है, सब स्पेस होता है, ये हमें साबित करना है। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से बताता हूँ, लिखता है सो दैट एन आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसेस, एन आर्बिट्री इंटरसेक्शन जितने चाहे आप ले सकते हो ऑफ सब स्पेसेस, सब स्पेसेस का जो आर्बिट्री इंटरसेक्शन है इज आल्सो अ सब स्पेस, इज आल्सो अ सब स्पेस, किसी भी वेक्टर स्पेस के सब स्पेसेस का जो आर्बिट्री इंटरसेक्शन है वह भी सब स्पेस होता है। किसी सदिश समष्टि के उप समष्टियों का एक स्वेच्छ सर्वनिष्ठ, उप समष्टियों का एक स्वेच्छ सर्वनिष्ठ भी एक उप समष्टि होता है, उप समष्टियों का एक स्वेच्छ सर्वनिष्ठ भी एक उप समष्टि होता है, मतलब बहुत सारे सब स्पेसेस हैं उनका इंटरसेक्शन भी सब स्पेस होता है, ये हमें साबित करना है। तो डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा, इस एरिया को सब स्पेस बताना है, ये जो एरिया जिसको मैंने हाईलाइट किया है इस एरिया को हमें सब स्पेस साबित करना है। समझ में आ गया आप लोग सबको? बोलो क्या आपको समझ में आ गया? चलिए yes, sir. अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। जहां भी आपको लगता है डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, जरूर हमसे पूछिएगा। सबसे पहला लाइन में लिखा है लेट वी ए बी अ वेक्टर स्पेस, सबसे फर्स्ट लाइन में लिखा है मान लो वी ए एक सदिश समष्टि है, हिंदी में लिखोगे मान लो वी एफ एक सदिश समष्टि है, मान लो वी एफ एक सदिश समष्टि है, तो वी एफ एक वेक्टर स्पेस है, सदिश समष्टि है, और एनलेट तथा माना, एनलेट तथा माना हम बहुत सारे सब स्पेस लेते हैं, मतलब डब्ल्यू आई ले लिए जहाँ पे आई वेरी कर रहा है आर्बिट्री सेट में, इंडेक्स सेट में, इस कैपिटल आई को हम इंडेक्स सेट कहते हैं या आर्बिट्री सेट आप बोल सकते हो। तो जितने भी डब्ल्यू आई हैं ये सारे सब स्पेसेस हैं वी एफ के, तो लिख देते हैं वी एन आर्बिट्री कलेक्शन, आर्बिट्री आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ सब स्पेसेस, वी एन आर्बिट्री कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ सब स्पेसेस, सब स्पेसेस ऑफ वी एफ, वी एफ के जितने भी सब स्पेसेस हैं उनका एक कलेक्शन है। हिंदी में लिखोगे वी एफ के उप समष्टियों का, वी एफ के उप समष्टियों, वी एफ के उप समष्टियों का एक स्वेच्छ संग्रह है, एक स्वेच्छ संग्रह है। तो जितने भी डब्ल्यू आई हैं सब सब स्पेस है वी एफ के, वी एफ के जो सब स्पेसेस है उसका एक कलेक्शन हमने तैयार किया है, उसको हमने आर्बिट्री कलेक्शन कहा है, स्वेच्छ संग्रह है ना, इसमें जितना चाहे आप ले सकते हो। तो डब्ल्यू आई क्या है? डब्ल्यू आई जो है वह सब स्पेस है, किसका सब स्पेस है? वी एफ, है ना, जितने भी डब्ल्यू आई सब सब स्पेस है। यहाँ लिख देता हूँ देन इच डब्ल्यू आई, इच डब्ल्यू आई प्रत्येक डब्ल्यू आई, इच डब्ल्यू आई इज अ सब स्पेस ऑफ, इज अ सब स्पेस ऑफ वी एफ, ठीक है, प्रत्येक डब्ल्यू आई वी एफ का एक उप समष्टि है। हिंदी लिख सकते हो प्रत्येक, प्रत्येक डब्ल्यू आई वी एफ का एक उप समष्टि है। ये बताइए डब्ल्यू आई अगर सब स्पेस है वी एफ का तो डब्ल्यू आई के पास कितने प्रॉपर्टी होंगे? डब्ल्यू आई सब स्पेस है वी एफ का तो डब्ल्यू आई के पास कितने प्रॉपर्टी होंगे? बोलो डब्ल्यू आई सब स्पेस के पास कितने प्रॉपर्टी होते हैं? दो प्रॉपर्टी होते हैं तो डब्ल्यू आई के पास भी दो प्रॉपर्टी होगा। लिख देते हैं दस डब्ल्यू आई हैश द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज, फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज, हिंदी में लिखेंगे अतः डब्ल्यू आई निम्नलिखित दो गुणधर्मों को रखता है, अतः डब्ल्यू आई
निम्नलिखित दो गुणधर्मों को रखता है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या होगा बताओ, डब्ल्यू आई सब इसमें से याद रखना। तो पहला प्रॉपर्टी क्या होगा, पहला प्रॉपर्टी होगा यदि अल्फा और बीटा डब्ल्यू आई का एलिमेंट है तो ये सूचित करे कि अल्फा प्लस बीटा भी डब्ल्यू आई का एलिमेंट होगा। ये सभी आई के लिए लागू होगा, है ना, फॉर ऑल आई के लिए। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा आप लोग बताओ, डब्ल्यू आई सब स्पेस है, पहला प्रॉपर्टी मैंने बता दिया। दूसरा और प्रॉपर्टी क्या होगा बोलो, बोलिए। ए बिलोंग टू एफ एंड अल्फा बिलोंग टू डब्ल्यू आई इम्प्लाइज दैट ए अल्फा बिलोंग टू डब्ल्यू आई, ये सेकंड प्रॉपर्टी होगा। तो बताओ ये दो प्रॉपर्टी कहाँ से आ गए, दो प्रॉपर्टी कहाँ से आ गए बताइए, कोई भी स्टूडेंट बताइए कि ये दो प्रॉपर्टी कहाँ से आए। यस, कौन है सब स्पेस यहाँ, यस डब्ल्यू आई सब स्पेस में लिखा है ना, इच डब्ल्यू आई इज सब स्पेस, प्रत्येक डब्ल्यू आई एक उप समष्टि है। अब हमें इसका इंटरसेक्शन को सब स्पेस प्रूफ करना है, यहाँ पर लिख देते हैं टू प्रूफ दैट, सिद्ध करना है कि टू प्रूफ दैट इंटरसेक्शन ऑफ डब्ल्यू आई, इंटरसेक्शन ऑफ डब्ल्यू आई इज अ सब स्पेस, इज अ सब स्पेस ऑफ वी, सिद्ध करना है कि इंटरसेक्शन ऑफ डब्ल्यू आई वी एफ का एक उप समष्टि है। हिंदी में लिखोगे सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि सर्वनिष्ठ डब्ल्यू आई, जितने भी डब्ल्यू आई है जिसका सर्वनिष्ठ भी वी एफ का एक उप समष्टि है, वी एफ का एक उप समष्टि है, ये आपको बताना है। बताओ कितने प्रॉपर्टी प्रूफ करना पड़ेगा इसके लिए, इसको मुझे सब स्पेस बताना है, इसको मुझे उप समष्टि प्रूफ करना है, सब स्पेस प्रूफ करना है इसको। बताओ कितने प्रॉपर्टी प्रूफ करना पड़ेगा सब स्पेस बताने के लिए, बोलो सब स्पेस बताने के लिए कितना प्रॉपर्टी प्रूफ करना पड़ेगा जी, दो प्रॉपर्टी प्रूफ करना पड़ेगा। लिख देते हैं फॉर दिस वी सेल सो दैट, वी सेल सो दैट, इसके लिए हम दर्शाएंगे कि, इसके लिए हम दर्शाएंगे कि, दर्शाएंगे कि फॉर दिस वी सेल सो दैट, इसके लिए हम दर्शाएंगे कि, कितने प्रॉपर्टी प्रूफ करना पड़ेगा बताया सब स्पेस के लिए, बोलो दो प्रॉपर्टी, किसको मुझे सब स्पेस बताना है, इस इंटरसेक्शन डब्ल्यू आई को। तो इसके पास दो प्रॉपर्टी होना चाहिए, पहला प्रॉपर्टी ये है कि यदि अल्फा और बीटा बिलोंग करता है इंटरसेक्शन डब्ल्यू आई में तो ये सूचित करे कि अल्फा प्लस बीटा भी इंटरसेक्शन डब्ल्यू आई में बिलोंग करता है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें प्रूफ करना है। सेकंड प्रॉपर्टी हमें बताना है यदि ए बिलोंग करता है एफ में और अल्फा बिलोंग करता है इंटरसेक्शन डब्ल्यू आई में तो क्या सूचित करे बताओ, सेकंड प्रॉपर्टी बताइए क्या सूचित करेगा कि ए अल्फा बिलोंग करता है इंटरसेक्शन डब्ल्यू आई में। अगर ये दो प्रॉपर्टी प्रूफ कर देता हूँ, अभी किया नहीं हूँ, अगर ये दोनों प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाता है कौन सब स्पेस बनेगा बताइए, अगर ये दो प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाए तो कौन सब स्पेस बनेगा, डब्ल्यू आई, डब्ल्यू आई नहीं बनेगा, डब्ल्यू आई तो सब स्पेस है ही, आपने तो बोला है क्वेश्चन में, आपने तो बोला है ना, यहाँ तो बोला है इस डब्ल्यू आई जो सब स्पेस, डब्ल्यू आई तो सब स्पेस है ही, डब्ल्यू आई को सब स्पेस नहीं बनाना, मतलब उसका इंटरसेक्शन ऑफ डब्ल्यू आई सब स्पेस बनेगा, कौन सब स्पेस बनेगा, इंटरसेक्शन ऑफ डब्ल्यू आई सब स्पेस बनेगा, डब्ल्यू आई तो सब स्पेस है ही, उसके इंटरसेक्शन को भी मुझे सब स्पेस बताना है। तो अगर ये दोनों प्रूफ कर दूँ तो इंटरसेक्शन ऑफ डब्ल्यू आई सब स्पेस बनेगा। चलिए हम फर्स्ट पार्ट का प्रूफ देते हैं, फर्स्ट पार्ट का फिर सेकंड का देंगे, यहाँ से लेकर चलेंगे यहाँ जाएंगे। तो हमने ले लिया है अल्फा और बीटा बिलोंग करता है इंटरसेक्शन ऑफ डब्ल्यू आई में, याद रखना है इंटरसेक्शन में जो रहेगा वो सभी डब्ल्यू आई में होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में जो रहता है वो सब में होता है। तो अल्फा और बीटा बिलोंग करेगा डब्ल्यू आई में, फॉर ऑल आई बिलोंग, सभी के लिए लागू होगा, है ना, क्योंकि ये इंटरसेक्शन है इसी कारण फॉर ऑल आएगा, है ना, याद रखना अल्फा और बीटा इस इंटरसेक्शन में है, जो इंटरसेक्शन में रहेगा वो सभी में रहेगा, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन के कारण फॉर ऑल लिखा। अब बताओ अल्फा और बीटा डब्ल्यू आई का एलिमेंट है, डब्ल्यू आई तो सब स्पेस है, तो क्या इम्प्लाई करेगा, तो देखो यहाँ देखो अल्फा और बीटा डब्ल्यू आई का एलिमेंट है तो क्या इम्प्लाई करता है, देखो अल्फा बीटा डब्ल्यू आई का एलिमेंट है तो क्या इम्प्लाई करता है, फर्स्ट पार्ट देखो अल्फा और बीटा अगर डब्ल्यू आई का एलिमेंट है तो क्या इम्प्लाई करता है,
अल्फा प्लस बीटा बिलोंग टू डब्ल्यू आई आ जाएगा। चलिए अल्फा प्लस बीटा बिलोंग डब्ल्यू आई आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ एक बार समझा देता हूँ, यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा इसी कारण फॉर ऑल आएगा, है ना, इंटरसेक्शन लगा इसी कारण फॉर ऑल लिखा। यहाँ से यहाँ डब्ल्यू आई के सभी स्पेस होने का फायदा उठाया, अब फिर से यहाँ इंटरसेक्शन लगा, ए फॉर ऑल लगा हुआ है, यहाँ इंटरसेक्शन लग जाएगा, अल्फा बीटा बिलोंग टू आ जाएगा इंटरसेक्शन डब्ल्यू आई। इंटरसेक्शन कैसे लग गया बताओ, क्योंकि यहाँ फॉर ऑल लिखा हुआ है, फॉर ऑल आई के लिए है, यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ इंटरसेक्शन है इसी कारण फॉर ऑल आया था, और यहाँ फॉर ऑल है इसी कारण इंटरसेक्शन आया। क्या फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, देखो इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया क्या, देखो yes. है ना, एक बार मैं रिपीट करता हूँ, मैंने यहाँ लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया है, क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन लिखा हुआ है इसी कारण फॉर ऑल आएगा, हर एक अल्फा बीटा हर एक डब्ल्यू आई बिलोंग करेंगे, फिर अल्फा और बीटा अगर डब्ल्यू आई के एलिमेंट है, डब्ल्यू आई सब स्पेस है, तो अल्फा प्लस बीटा भी डब्ल्यू आई के एलिमेंट होगा, और ये फॉर ऑल आई के लिए लागू होगा, क्योंकि यहाँ फॉर ऑल लिखा है इसी कारण इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट का प्रूफ देते हैं, इसी का सेकंड पार्ट का हम प्रूफ देते हैं। सेकंड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, देखो देखो दिखाई दे रहा है आप लोगों को सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट का हम प्रूफ देते हैं। सेकंड पार्ट में हम लेफ्ट साइड लेके चलते हैं, राइट से जाएंगे, ए बिलोंग टू एफ ले लिया एंड अल्फा बिलोंग टू इंटरसेक्शन डब्ल्यू आई। चलिए तो यहाँ पर ए एफ का एलिमेंट है एंड एंड ये आप देखिए अल्फा बिलोंग टू इंटरसेक्शन डब्ल्यू आई है, मतलब ये अल्फा बिलोंग करेगा डब्ल्यू आई में फॉर ऑल आई के लिए, क्योंकि यह इंटरसेक्शन लगा हुआ है तो सभी डब्ल्यू आई बिलोंग करेगा, आपको लिखना पड़ेगा अल्फा बिलोंग टू डब्ल्यू आई, अल्फा बिलोंग करता है डब्ल्यू आई में फॉर ऑल आई, फॉर ऑल आई बिलोंग टू इंडेक्स सभी आई के लिए। बताओ यहाँ फॉर ऑल क्यों आए, क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन लगा है, यह इंटरसेक्शन लगा इसी कारण सभी डब्ल्यू आई में बिलोंग करेंगे। यहाँ से यहाँ समझ में आया आपको, अल्फा बिलोंग टू इंटरसेक्शन डब्ल्यू आई, इंटरसेक्शन लगा इसी कारण फॉर ऑल आई के लिए लागू होगा, सभी जितने भी अल्फा सब डब्ल्यू आई में बिलोंग करेंगे, और फॉर ऑल आई के लिए होगा क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन लगा हुआ है। अब मुझे बताओ ए बिलोंग टू एफ अल्फा बिलोंग डब्ल्यू आई क्या इंप्लाई करता है, देखो ए बिलोंग टू एफ अल्फा बिलोंग डब्ल्यू आई क्या इंप्लाई करता है बता, ए बिलोंग टू एफ अल्फा बिलोंग डब्ल्यू आई क्या इंप्लाई करता है, देखो ये वाला पार्ट देखो क्या इंप्लाई करता है, ए अल्फा बिलोंग टू डब्ल्यू आई क्या इंप्लाई करता है, ए अल्फा बिलोंग टू डब्ल्यू आई, यहाँ पे अब देखो ए बिलोंग टू एफ है, अल्फा बिलोंग डब्ल्यू आई है, तो ए अल्फा बिलोंग टू आ जाएगा डब्ल्यू आई फॉर ऑल आई बिलोंग टू इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ इंटरसेक्शन लगा इसी कारण फॉर ऑल आया, अब यहाँ फॉर ऑल है इसी कारण इंटरसेक्शन आ जाएगा, ए अल्फा बिलोंग टू आ जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ डब्ल्यू आई, क्योंकि यहाँ फॉर ऑल लिखा हुआ है इसी कारण इंटरसेक्शन आएगा, यहाँ इंटरसेक्शन इसी कारण फॉर ऑल आएगा। अब मुझे बताइए दोनों पार्ट प्रूफ हो गया है, बताओ क्या इंटरसेक्शन डब्ल्यू आई सभी स्पेस बन गया, बोलो यस, इंटरसेक्शन डब्ल्यू आई इज अ सब स्पेस, इज अ सब स्पेस ऑफ वी एफ, हिंदी में लिखोगे अतएव इंटरसेक्शन डब्ल्यू आई वी एफ का एक उप समष्टि है, अतएव इंटरसेक्शन डब्ल्यू आई, इंटरसेक्शन डब्ल्यू आई वी एफ का एक उप समष्टि, उप समष्टि है, है। एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन कहता है सो दैट दर्शाइए कि, सो दैट दर्शाइए कि द यूनियन ऑफ, द यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस, द यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, द यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज आल्सो, इज आल्सो अ सब स्पेस, इज आल्सो अ सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेंड, वन इज कंटेंड इन द अदर, यदि एक दूसरे के अंदर अंतर्विष्ट हो, ठीक है। हिंदी में रहेगा क्वेश्चन इस प्रकार से, दर्शाइए कि, दर्शाइए कि सदिश समष्टि, दर्शाइए कि सदिश समष्टि के दो उप समष्टियों, दो उप
समष्टियों का संघ, दो उपसमष्टियों का संघ संघ भी एक उपसमष्टि होता है, भी एक उपसमष्टि होता है, दो उपसमष्टियों का संघ भी एक उपसमष्टि होता है यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि एक दूसरे में अंतर्विष्ट हो, एक दूसरे में, एक जो है दूसरे में अंतर्विष्ट हो, मतलब एक जो है दूसरे के अंदर समाहित हो, अंतर्विष्ट हो, ठीक है। तो इसमें यह हमें बताना है कि दो सब स्पेस लेंगे, उनका यूनियन करेंगे, वह भी सब स्पेस होगा, लेकिन कब होगा, जब एक दूसरे में अंतर्विष्ट, यहाँ इफ एंड ओनली इफ है, यदि और केवल यदि है ना, यदि और केवल यदि है तो हमें दोनों पार्ट में प्रूफ करना होगा इसका। एक बार हम दो सब स्पेस का यूनियन को सब स्पेस मान के चलेंगे और ये प्रूफ करेंगे वन इज कंटेनिंग अदर, और सेकंड टाइम हम वन इज कंटेनिंग अदर लेके चलेंगे और हम ये बताएंगे कि उसका जो यूनियन है वह सब स्पेस होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, पहले हम डायग्राम से समझ जाते हैं क्वेश्चन। ये देखिए ये वेक्टर स्पेस है वी एफ, ये वेक्टर स्पेस वी एफ है, इसके दो सब स्पेसेस लेने हैं, पहला सब स्पेस हमने लिया डब्लू वन और दूसरा सब स्पेस डब्लू टू, इसी के अंदर लेना है, या तो डब्लू वन डब्लू टू के अंदर लो या डब्लू टू डब्लू वन के अंदर। तो ये भी सब स्पेस है, ये भी सब स्पेस, अगर इन दोनों का यूनियन करें, यूनियन करेंगे पूरा एरिया आ जाएगा, कौन सा एरिया है बताओ, क्या नाम होगा यूनियन करेंगे तो, डब्लू वन और डब्लू टू का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा बताइए डायग्राम में, डब्लू वन आ जाएगा, डब्लू वन यूनियन डब्लू टू पूरा डब्लू वन आ जाएगा, है ना, और डब्लू वन सब स्पेस है तो डब्लू वन यूनियन डब्लू टू भी सब स्पेस ही होगा, क्योंकि इस डायग्राम में अगर मैं डब्लू वन यूनियन डब्लू टू करूँ तो पूरा डब्लू वन ही मिलेगा, क्योंकि डब्लू टू के डब्लू वन के अंदर है, डब्लू टू किसके अंदर है, डब्लू वन के अंदर है, तो अगर डब्लू वन और डब्लू टू का यूनियन करूँ तो आंसर क्या आएगा बताइए, डब्लू वन आएगा। डायग्राम ऐसा भी हो सकता है, डायग्राम ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारा वेक्टर स्पेस है, ये हमारा वेक्टर स्पेस है वी एफ और ये हमारा है डब्लू टू और डब्लू टू के अंदर डब्लू वन है, ये भी हो सकता है कि डब्लू वन छोटा है डब्लू टू बड़ा है, अब इन दोनों को यूनियन करें, यूनियन करेंगे पूरा एरिया मिलेगा, यूनियन करने से पूरा एरिया मिलता है, बताओ यूनियन करने से क्या मिलेगा, डब्लू टू के अंदर डब्लू वन, तो अगर इसका यूनियन करें तो डब्लू वन यूनियन डब्लू टू हमारा डब्लू टू आएगा, ठीक है। तो हमें डब्लू वन और डब्लू टू को दोनों सब स्पेस मान के चलना है और उसके यूनियन को सब स्पेस बताना है, तो ऐसे ही यूनियन सब स्पेस हो जाएगा, या तो उसका यूनियन डब्लू वन आएगा या तो डब्लू टू आएगा, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये लेके चलना पड़ेगा कि वन इज कंटेनिंग अदर, हमें तो यही लेके चलना पड़ेगा वन इज कंटेनिंग अदर, मतलब एक दूसरे में अंतर्विष्ट हो, एक जो है दूसरे के अंदर अंतर्विष्ट होना चाहिए, या तो डब्लू वन डब्लू टू के अंदर होगा या तो डब्लू टू डब्लू वन के अंदर होगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का प्रूफ। हमने मान लिया लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस, हिंदी में लिखेंगे मान लो वी एफ एक सदिश समष्टि है एंड लेट डब्लू वन एंड डब्लू टू बी टू सब स्पेसेस, टू सब स्पेसेस ऑफ वी एफ, है ना, मान लो वी एफ एक सदिश समष्टि है तथा माना डब्लू वन और डब्लू टू वी एफ के दो उप समष्टियाँ हैं, ठीक है। फर्स्ट सपोज दैट, प्रथमतः माना कि, फर्स्ट सपोज दैट, प्रथमतः माना कि आइदर या तो डब्लू वन इज अ सबसेट ऑफ डब्लू टू या डब्लू टू इज अ सबसेट ऑफ डब्लू वन, या तो डब्लू वन डब्लू टू के अंदर है या डब्लू टू डब्लू वन के अंदर है, प्रथमतः माना कि, हिंदी में लिखोगे प्रथमतः माना कि या तो, आइदर की जगह लिखना या तो डब्लू वन उप समुच्चय डब्लू टू का या डब्लू टू उप समुच्चय डब्लू वन का, फर्स्ट सपोज दैट आइदर डब्लू वन इज अ सबसेट ऑफ डब्लू टू और डब्लू टू इज अ सबसेट ऑफ डब्लू वन, देन तब अगर ये कंडीशन होता है तो इन दोनों का यूनियन क्या आएगा होता, डब्लू वन यूनियन डब्लू टू क्या आएगा बोलो, अगर ये वाला कंडीशन होता है तो डब्लू वन यूनियन डब्लू टू क्या आएगा, डब्लू टू आ जाएगा, है ना, या अगर ये कंडीशन होता है तो, अगर ये वाला कंडीशन होता है तो डब्लू वन यूनियन डब्लू टू हमारा डब्लू वन आएगा,
ठीक है, यहाँ पे देखो डब्ल्यू टू बड़ा है तो डब्ल्यू वन आ जाएगा, यूनियन इन दोनों का यूनियन कहेंगे डब्ल्यू टू आएगा। देखो मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ, देखिए जी यहाँ डब्ल्यू वन इज अ सबसेट ऑफ डब्ल्यू टू, डब्ल्यू टू वन जो है डब्ल्यू टू का सबसेट है, इनका यूनियन करेंगे डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू का तो पूरा डब्ल्यू टू आएगा। सुनिए, यूनियन मतलब पूरा एरिया लेना है तो डब्ल्यू टू आ जाएगा। यदि डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू का सबसेट हो, मतलब डब्ल्यू टू अगर सबसेट है डब्ल्यू वन का, तो इन दोनों का यूनियन से डब्ल्यू वन आएगा। तो या तो इसका यूनियन डब्ल्यू टू आएगा या तो डब्ल्यू वन आएगा। और डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू दोनों क्या है, पढ़ो ऊपर, आपने डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू दोनों को क्या बोला है, दोनों को सब स्पेस बोला है आपने। तो ये भी सब स्पेस है, ये भी सब स्पेस है, ये सब स्पेस होगा क्लियर। डब्ल्यू वन भी सब स्पेस है, डब्ल्यू टू भी सब स्पेस है। अब इसका जो वैल्यू है डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू, या तो डब्ल्यू वन आएगा या तो डब्ल्यू टू आएगा। इसका वैल्यू या तो डब्ल्यू वन होगा या तो इसका वैल्यू डब्ल्यू टू होगा। तो बताइए डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू सब स्पेस होगा नहीं होगा, बोलो। तो आप बोल सकते हो दस डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू इज अ सब स्पेस, इज अ सब स्पेस ऑफ ए, है ना, हिंदी में लिखोगे अतएव अतएव डब्ल्यू वन संघ डब्ल्यू टू ये का एक उपसमष्टि है, एक उपसमष्टि है। तो एक पार्ट तो प्रूफ हो गया इसका, आपने मान लिया था या तो डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू के अंदर है या डब्ल्यू टू डब्ल्यू वन के अंदर है, तो उनका जो यूनियन होगा डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू वह भी सब स्पेस होगा, उपसमष्टि होगा। अब इसका कन्वर्स पार्ट करते हैं। कन्वर्सली सपोज दैट विलोमतः माना कि, हिंदी में लिखोगे विलोमतः माना कि, कन्वर्सली सपोज दैट डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू इज अ सब स्पेस ऑफ वी एफ, हिंदी में लिखोगे विलोमतः माना कि डब्ल्यू वन संघ डब्ल्यू टू वी एफ का एक उपसमष्टि है। डब्ल्यू वन संघ डब्ल्यू टू, इसको हम पढ़ते हैं हिंदी में डब्ल्यू वन संघ डब्ल्यू टू, डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू वी एफ का एक उपसमष्टि है। विलोमतः माना कि डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू वी एफ का एक उपसमष्टि है। देन वी हैव टू सो दैट, तब हमें दर्शाना है कि, वी हैव टू सो दैट तब हमें दर्शाना है कि या तो आइदर या तो डब्ल्यू वन सबसेट है डब्ल्यू टू का या डब्ल्यू टू सबसेट है डब्ल्यू वन का, ये हमें शो करना है। मतलब या तो डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू के अंदर है या डब्ल्यू टू डब्ल्यू वन के अंदर है ना। इसको हिंदी में लिखोगे तब हमें दर्शाना है कि या तो डब्ल्यू वन उपसमुच्चय डब्ल्यू टू का या डब्ल्यू टू उपसमुच्चय डब्ल्यू वन का, ये हमें शो करना है। ठीक है, या तो ये है या तो ये है ना। सपोज इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो माना, सपोज इफ पॉसिबल हिंदी में लिखेंगे यदि संभव हो तो माना। हमने मान लिया कि डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू का सबसेट नहीं है एंड डब्ल्यू टू भी डब्ल्यू वन का सबसेट नहीं है, गलत मान रहे हैं। हमें या तो ये प्रूफ करना था या तो ये प्रूफ करना था। हम बोल रहे हैं नहीं डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू का सबसेट है, नहीं डब्ल्यू टू डब्ल्यू वन का सबसेट है ना। हमने लिखा है सपोज इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो माना। ठीक है, ना ये कंडीशन है ना ये कंडीशन, दोनों ही कंडीशन गलत है बोल रहे हैं, इसका मतलब कंट्रडिक्शन आएगा। हमें गलत सपोज करके यहाँ चल रहे हैं, हमें जो प्रूफ करना था वो हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ये मान रहे हैं कि ये भी कंडीशन नहीं है ये भी कंडीशन, दोनों कंडीशन लागू नहीं हो रहा है, ये भी लागू नहीं हो रहा है ये भी लागू नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमें मिलने वाला है कंट्राडिक्शन। तो आप देखिए डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू का सबसेट नहीं है, मतलब डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू के अंदर नहीं है, तो एक एलिमेंट डब्ल्यू वन में तो होगा लेकिन डब्ल्यू टू में नहीं होगा, वैसे ही एक एलिमेंट डब्ल्यू टू में तो होगा लेकिन डब्ल्यू वन में नहीं होगा। यहाँ से आप देखो डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू का सबसेट नहीं है, इसका मतलब अल्फा डब्ल्यू वन का एलिमेंट है बट किंतु अल्फा डब्ल्यू टू का एलिमेंट नहीं है, है ना। अल्फा डब्ल्यू वन का एलिमेंट तो है लेकिन वह डब्ल्यू टू का एलिमेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि डब्ल्यू वन सबसेट नहीं है डब्ल्यू टू का। वैसे ही यहाँ पे आप देखो डब्ल्यू टू डब्ल्यू वन का सबसेट नहीं है, मतलब एक एलिमेंट यहाँ तो होगा लेकिन यहाँ नहीं होगा, तो एक एलिमेंट बीटा ले लेते हैं, चलिए जरूरी नहीं अल्फा बीटा लेना, आप एक्स वाई भी ले सकते हो और दूसरा एलिमेंट भी ले सकते हो, तो बीटा डब्ल्यू टू का एलिमेंट है बट किंतु बीटा जो है यह डब्ल्यू टू डब्ल्यू वन का एलिमेंट नहीं है। मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ, शायद आपको समझ में आए। याद रखना हमें जो प्रूफ करना है वो हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके अपोजिट हम सपोज करके चल रहे हैं, मतलब इसके अगेंस्ट हम मान के चल रहे हैं। ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों ही लागू नहीं हो रहा है ऐसे हम मान रहे हैं,
हमारे यहाँ ये भी लागू नहीं होता, ये भी लागू नहीं होता, दोनों ही लागू नहीं हो रहा है। तो एक एलिमेंट यहाँ होगा लेकिन यहाँ नहीं होगा, एक एलिमेंट यहाँ होगा लेकिन यहाँ नहीं होगा। मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ, ये देखिए हम ऐसा मान रहे हैं, ये हमारा वेक्टर स्पेस है वी एक, ये एरिया डब्लू वन का है, ये एरिया डब्लू टू का है, ये डब्लू वन डब्लू टू का सबसेट नहीं है और डब्लू टू डब्लू वन का सबसेट नहीं है। यहाँ एक एलिमेंट अल्फा होगा लेकिन वो अल्फा डब्लू टू में नहीं होगा, और यहाँ एक एलिमेंट बीटा होगा, बीटा डब्लू टू में तो होगा लेकिन डब्लू वन में नहीं होगा, है ना। तो ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा बताओ, ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा बताइए, बताइए पूरा एरिया क्या कहलाएगा। सर ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक कह रही है ना, यहाँ से यहाँ तक कह रही है, ये कहलाएगा डब्लू वन यूनियन डब्लू टू, क्या कहलाएगा डब्लू वन यूनियन डब्लू टू, ये पूरा एरिया, ये पूरा कंप्लीट एरिया कहलाएगा डब्लू वन यूनियन डब्लू टू। याद रखना अल्फा डब्लू वन का एलिमेंट है लेकिन अल्फा डब्लू टू का एलिमेंट नहीं है, बीटा डब्लू टू का तो एलिमेंट है लेकिन बीटा डब्लू वन का एलिमेंट नहीं है। लेकिन बताओ अल्फा और बीटा दोनों इसका एलिमेंट है क्या, इस यूनियन का, देखो डायग्राम से, यस सर, है ना। तो हम बोल सकते हैं हियर यहाँ यहाँ अल्फा और बीटा दोनों ही डब्लू वन यूनियन डब्लू टू के एलिमेंट्स हैं। दिस इम्प्लाइज, बताओ आपने डब्लू वन यूनियन डब्लू टू को सब स्पेस बोला है, देखो आपने लिखा है कन्वर्सली सपोज दैट विलोमता माना कि डब्लू वन यूनियन डब्लू टू इज अ सब स्पेस ऑफ ए, डब्लू वन यूनियन डब्लू टू इज अ सब स्पेस ऑफ ए, इसको आपने सब स्पेस बोला है, बताओ इन दोनों को प्लस करेंगे तो कहाँ बिलोंग करेगा, डब्लू वन यूनियन टू डब्लू टू को आपने सब स्पेस बोला है, डब्लू वन यूनियन डब्लू टू को आपने सब स्पेस बोला है, अल्फा भी इसका एलिमेंट है बीटा भी इसका एलिमेंट है, तो अल्फा प्लस बीटा किसका एलिमेंट होगा, बिल्कुल डब्लू वन यूनियन डब्लू टू का एलिमेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम कारण दे सकते हैं डब्लू वन यूनियन डब्लू टू इज अ सब स्पेस या सब स्पेस है, तो सब स्पेस होने के कारण इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी इसका एलिमेंट होगा, तो अल्फा प्लस बीटा या तो डब्लू वन का एलिमेंट आएगा या अल्फा प्लस बीटा डब्लू टू का एलिमेंट आएगा। यहाँ पे और इसे लगाए क्योंकि यूनियन है, इंटरसेक्शन रहता तो एंड लगाता, या और लिखा हिंदी में लिखोगे या, ठीक है यहाँ पे यूनियन है इसी कारण और लिखा, तो अल्फा प्लस बीटा या तो डब्लू वन का एलिमेंट होगा, अल्फा प्लस बीटा या तो डब्लू टू का एलिमेंट होगा। तो पहला केस ये लेके चलेंगे, यहाँ भी हमें कंट्रडिक्शन मिलेगा, दूसरा केस ये लेके चलेंगे यहाँ भी हमें कंट्रडिक्शन मिलेगा, इस केस में और इस केस दोनों ही केस में हमें कंट्रडिक्शन मिलेगा, देखना है ना। तो पहला केस लेके चलता हूँ, फर्स्ट केस में लिखा वेन, जब जब अल्फा प्लस बीटा डब्लू वन का एलिमेंट है, पहला केस में ले लिया है अल्फा प्लस बीटा किसका एलिमेंट है, डब्लू वन का एलिमेंट है, डब्लू वन, तो भी हमें कंट्रडिक्शन मिलेगा। देखो अभी आप देखिएगा सभी, ये बताओ यहाँ पर आपने कहा है अल्फा किसका एलिमेंट है, बोलो डब्लू वन का, अल्फा डब्लू वन का एलिमेंट है, यहाँ आपने क्या कहा है अल्फा प्लस बीटा किसका एलिमेंट है, और अल्फा भी डब्लू वन का एलिमेंट है, अगर इन दोनों को प्लस करें तो भी डब्लू वन का एलिमेंट आएगा, इन दोनों को माइनस करें तो भी डब्लू वन का एलिमेंट आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा के यहाँ तो भी डब्लू वन का ही एलिमेंट आएगा। फिर से ध्यान दो, बताओ अल्फा प्लस बीटा किसका एलिमेंट है, डब्लू वन का, इस केस के अकॉर्डिंग, इस केस के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा डब्लू वन का एलिमेंट, और अल्फा डब्लू वन का एलिमेंट हम पहले बता चुके हैं, ये देखो अल्फा डब्लू वन का एलिमेंट है, इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो भी डब्लू वन का एलिमेंट आएगा। अब मुझे बताओ इसमें अल्फा अल्फा कट जाएगा क्या आएगा, बताओ अल्फा अल्फा कट जाएगा ना तो क्या आएगा, और यहाँ पे आपने क्या लिखा है पढ़ो, यहाँ आपने क्या लिखा, डब्लू वन में बिलोंग नहीं करता, यहाँ तो बिलोंग करने लग गया, आप बोल सकते हो दिस इज अ कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन यह एक विरोध है। तो पहला केस में विरोध आ गया, सेकंड केस में विरोध आएगा, देखना सेकंड केस करके देखते हैं, सेकंड केस हम लेते हैं व्हेन, जब अल्फा प्लस बीटा डब्लू टू का एलिमेंट है ना, पहला केस में हमें कंट्राडिक्शन मिला, विरोध मिल गया, बीटा डब्लू वन का एलिमेंट आ गया जो कि बीटा डब्लू वन का एलिमेंट नहीं था, सेकंड केस में देखते हैं यहाँ भी कंट्राडिक्शन आएगा। ये बताओ अल्फा प्लस बीटा कहाँ बिलोंग करते बोल रहे हो, देखो अल्फा प्लस बीटा किसका एलिमेंट है, बोलो डब्लू टू, और बीटा भी डब्लू टू का एलिमेंट, बीटा डब्लू टू का एलिमेंट हम बता चुके हैं, देखो बीटा डब्लू टू का एलिमेंट है,
इन दोनों को माइनस करेंगे तो भी W2 का एलिमेंट आएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा ये भी W2 का एलिमेंट आएगा, है ना, क्योंकि ये भी W2 का एलिमेंट है, ये भी W2 का, इन दोनों को प्लस करें तो भी W2 का एलिमेंट आएगा, इन दोनों को माइनस करें तो भी W2 का ही एलिमेंट आएगा। बताओ कुछ कैंसिल होगा, देखो क्या कैंसिल हो जाएगा माइनस करने से, बताइए बीटा, तो अल्फा बिलोंग टू W2 आ जाएगा, बीटा बीटा तो कट जाएगा, अल्फा बिलोंग W2 आ जाएगा, बल्कि ये कंट्राडिक्शन है क्योंकि आपने कहा था अल्फा डज नॉट बिलोंग टू W2, आपने लिखा है अल्फा डज नॉट बिलोंग टू W2, अल्फा W2 का मेंबर नहीं है, और यहाँ पे आप बोल रहे हो अल्फा W2 का मेंबर है, दिस इज अ कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन क्यों आ रहा है बार बार बताओ, दोनों ही केस में कंट्राडिक्शन आया, क्यों आया, कहीं गलत सपोज कर लिए थे क्या अपन, बताओ। यस है ना, हमने यहाँ पे गलत सपोज कर लिया था, लिख दिया था सपोज इफ पॉसिबल, ये कंडीशन भी सही नहीं है, ये कंडीशन भी सही नहीं है, दोनों सही नहीं है बोले, इसी कारण कंट्राडिक्शन आ गया। आप लिख सकते हो हेंस आइदर या तो W1 W2 का सबसेट होगा या W2 W1 का सबसेट होगा, हिंदी में लिखना पड़ेगा, अतएव या तो W1 W2 के अंदर होगा या W2 W1 के अंदर होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। गलत सपोज की कंट्राडिक्शन लिया है और ये इसका प्रूफ हमने दिया है।